Hello everyone, this is Niru Dhama and I would like to welcome you all to Dhama Academy YouTube channel. आज हम लोग बात करेंगे प्लानिंग कमीशन की, उसके सक्सेस और उसके फेलियर की. क्या है प्लानिंग कमीशन, कब आया था, 5 ईयर प्लान्स क्या थे, किस तरह से काम किया गया, आज उन सब की तमाम चर्चाएं इस एक वीडियो में होने वाली है. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द सेशन. सो बिफोर स्टार्टिंग the planning commission or before starting the 5 year plan, let's understand what actually the plan is. Hota kya hai plan? So here is the answer. A plan spell out how the resources of nation should be put to use. Iska arth ki plan agar main ek nation ke through dekhun aur ya fir main ek saral bhasha mein aapko samjhaun ki plan kya hai, jiska koi ek objective hona bahut zaruri hai, ek uddeshya hona bahut zaruri hai. For example, yadi kal mera paper hai तो अगर मैं उसकी प्लानिंग कर रही हूँ कि मुझे कब जाना है, कैसे जाना है, एंड हाउ वुड आई मैनेज ऑल दिस थिंग्स, सो आई मस्ट हैव सम प्लानिंग इन माय हैंड. बट विद द प्लानिंग आई मस्ट हैव वन ऑब्जेक्टिव व्हिच इज द एग्जाम. जैसे कि अगर मैं नेशन के थ्रू बात करूं तो नेशन के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होगा. नेशन के लिए ऑब्जेक्टिव होता है फॉर एग्जाम्पल एक सोशल डेवलपमेंट हो गई या इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, उसके उसको उस उद्देश्य को ध्यान में रख के जो भी तमाम प्लानिंग्स होती हैं वो हमारे इकोनॉमिक प्लान के अंदर आती हैं, या फिर उनको हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं. इन्हीं के तहत इकोनॉमिक प्लानिंग के अंडर ही हमारे 5 ईयर प्लान्स आए थे. कैसे काम किए, चलिए समझते हैं. तो 5 ईयर प्लान्स की जो हम बात कर रहे हैं या जो प्लान्स की बात कर रहे हैं, वो सारे प्लान हमारे मैनेज किए जाते हैं प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू. What is this Planning Commission of India? Although which is now abolished and obsolete, I would say, by the Niti Aayog. अब Planning Commission की जगह Niti Aayog है, which is the think tank of India. तो but exams में अभी भी Planning Commission के बहुत से questions आते हैं. So let's understand what is this Planning Commission. So here is the answer. The Planning Commission was vital institute of the government was the vital institute of the government which formulated on 15th March 1950. अर्थात 1950 15 मार्च को प्लानिंग कमीशन का गठन होता है, और किस लिए होता है, ताकि वो 5 ईयर प्लान्स भारत की अर्थव्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए उसको इम्प्लीमेंट करें या उसको अग्रसर करें. इट एम्ड टू गाइड द कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. तो किस लिए बनाए गए थे, मेजर जो कंसर्न था वो क्या था, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. नेक्स्ट, द रोल ऑफ द प्लानिंग कमीशन इंक्लूड्स मेकिंग एन असेसमेंट ऑफ ऑल ऑफ द इंडियन रिसोर्सेज, यूटिलाइजिंग देम एफिशिएंटली एंड सेटिंग प्रायोरिटीज. तो मेजर जो इसका फोकस था प्लानिंग कमीशन को बनाने का, या प्लानिंग कमीशन के जो कार्य थे उसमें जो मेजर फोकस था, वो था कि भारतीय रिसोर्सेज को कितनी एफिशिएंटली हम यूज करें, कि और किस कार्य को ज्यादा प्रायोरिटी में रखना है और किस कार्य को हम थोड़ी सी ढील दे सकते हैं. इस तरह की प्लानिंग ही प्लानिंग कमीशन का मेजर उद्देश्य रही. नाउ व्हाट वाज, इफ वी वुड quantify the objectives of planning commission, so they were as follows. The very first objective was the economic development. सबसे पहला क्या था, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि ही सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारे प्लानिंग कमीशन का था. दूसरा था इंक्रीज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ये हर इकोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हमेशा से होता है, और इसके ऊपर हर सरकार, आई वुड से every single government is working so hard to achieve their employment or the full employment ratio. Next, we have the increasing the standard of living. So the third objective of planning commission was to increase the standard of living. अर्थात जो 1950 के भारत में भारतीय स्थिति थी, उसको बेहतर कैसे बनाया जाए या उसको कैसे कंपेटेबल बनाया जाए डेवलप्ड नेशन के, ये तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य प्लानिंग कमीशन का. चलिए अब बढ़ते हैं कि भारतीय 5 ईयर प्लान में किन किन जो 5 ईयर प्लान जो हमारे होते थे, उनमें किन किन चीजों का महत्वपूर्ण ध्यान रखा गया. तो यदि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को स्पेसिफिकली बोलें, तो उसमें सबसे पहला जो फोकस था वो था पॉवर्टी को कम करना. उसकी जगह हमें क्या करनी थी, भारतीय
अर्थव्यवस्था की ग्रोथ करनी थी। दूसरा था ओल्ड टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करना, वो भी किससे? मॉडर्नाइजेशन से। तीसरा था अपने आयात पर जो हमें अधिक डिपेंडेंसी डेवलप्ड नेशन के ऊपर थी, जो यूएसए के ऊपर हमारी बहुत ज्यादा इंपोर्ट की डिपेंडेंसी हो गई थी, उसको कन्वर्ट करना था सेल्फ रिलायंस में, मतलब खुद स्वयं इतने सक्षम होना था, और उसके साथ साथ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में भी इंप्रूवमेंट करनी थी। एंड द लास्ट वन इज हाई इनइक्वालिटी। फॉर सम इट वॉज वेरी यू नो फ्रूटफुल टू गेट, एज वी कैन सी बहुत इजिली सब लोग रिसोर्सेज ले रहे थे भारत के, और कुछ लोगों को मिल ही नहीं रहा था, वो लोग परेशान हो रहे थे। तो इस चीज को कम करने के लिए इक्विटी का फॉर्मूला अपनाया गया। अब इक्विटी इक्वालिटी नहीं है, सो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज विद द टर्म्स इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्वालिटी टॉक्स अबाउट टू गिविंग एवरीवन द इक्वल अमाउंट ऑफ यू नो द रिसोर्सेज, द यू कैन से द अपॉर्चुनिटीज। बट इक्विटी में होता है कि जिसको जितने डिजायर है, फॉर एग्जाम्पल दिस गर्ल नीड्स नो नथिंग बट दिस बॉय नीड्स टू स्टेयर्स एंड दिस स्मॉल गर्ल्स नीड्स द फोर स्टेयर्स। What it shows कि जिसको जितनी जरूरत है आपको उतना उस सेक्शन को देना है, ये हमारी फोर्थ मेजर ऑब्जेक्टिव्स में फाइव ईयर प्लान के थे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा क्या था और हम क्या चाहते थे कि फाइव ईयर प्लान के बाद कैसी हमारी भारत हो जाए। चलिए करते हैं शुरुआत अब फर्स्ट फाइव ईयर प्लान से, जो कि 1951 से 1956 के बीच रहा। क्या इसके महत्वपूर्ण पॉइंट थे? तो सबसे पहला था कि इसने किस सेक्टर को टारगेट किया। तो इन्होंने एग्रीगेरियन और वी कैन से द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज इन देयर टारगेट्स। सबसे पहले इन्होंने किसके ऊपर काम किया? कृषि के ऊपर इन्होंने काम किया कि उसको कैसे बेहतर बनाए। अब आप मुझे समझाइए, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर की दो वीडियोस भी ऑलरेडी पढ़ ली है, कि एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी परेशानी क्या थी, एग्रीकल्चर सेक्टर की सबसे बड़ी परेशानी क्या थी, एक फार्मर को किस चीज से सबसे ज्यादा परेशानी थी? वो थी एक तो रेवेन्यू सिस्टम से, और दूसरा था वल्नरेबिलिटी ऑफ द क्लाइमेट और वल्नरेबिलिटी ऑन द रेन, मतलब बारिश के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी, और दूसरा क्रेडिट इतने ज्यादा थे वो जिम्मेदारी सिस्टम एंड ऑल की वजह से। तो उन्होंने सबसे पहले तो 1951 में, यदि आपको पता हो, एक उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम को एबॉलिश किया एक लॉ के थ्रू, एक एक्ट के थ्रू, और इसके साथ साथ 1951 के फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में उनका जो दूसरा सबसे बड़ी परेशानी थी उसको हल करने के लिए उन्होंने डैम्स बनाने शुरू किए फॉर द इरीगेशन पर्पज। और एक भाकरा नंगल डैम है जिसको भाकरा नांगल डैम भी कहते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में नांगल एरिया में है, भाकरा एरिया में सॉरी है, तो बहुत इम्पोर्टेंट डैम है ये। और इसके लिए छोटू कुछ फार्मर का नाम है, सॉरी मैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो कि वेरी प्रेविलेंट पर्सन वॉज देयर इन दैट भाकरा नांगल डैम क्रिएशन। तो ऐसे बहुत से डैम्स बनाए गए, और जब तक हमारे 1956 आते आते, मतलब जब तक ये 5 वर्ष की योजना कंप्लीट हो रही थी, तब तक 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच आर द IIT हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। नाउ इट्स योर ड्यूटी के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे 1956 तक कौन सी वो 5 IITs थी जो एस्टैब्लिश हुई थी। इसके साथ साथ जो हमारा टारगेट था, बिकॉज हर 5 ईयर प्लान के लिए इन्होंने कुछ टारगेट सेट करे थे, और वो कितने फिर अचीव हुए उससे हमने इनकी सक्सेस और फेलियर का अंदाजा लगाया। तो क्योंकि ये पहला प्लान था, हमने बहुत नॉर्मल ग्रोथ रेट रखा कि देखते हैं किस तरह से काम करेंगे। हमने 2.1 रख दिया था और अचीव हमारा 3.6 हो गया, तो इसका मतलब हमें बहुत अच्छी ग्रोथ रेट हुई। कंपेरेटिवली देखें तो 100% से बहुत ज्यादा है, 150% अराउंड है, विच इज अ वेरी गुड वी कुड से द ग्रोथ। देन वी मूव टू द सेकेंड फाइव ईयर प्लान। सेकेंड फाइव ईयर प्लान वॉज फ्रॉम 1956 to 1961। अब इसमें क्या बात हुई? जो हमारा 1956 से सेकेंड फाइव ईयर प्लान शुरू हुआ, इसका जो मेजर फोकस था वो था इंडस्ट्री। पहले का क्या था? एग्रीकल्चर, और इसका क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द पब्लिक सेक्टर। इस मॉडल को या इस फाइव ईयर प्लान को हम पीसी महलनोबिस या नेहरू महलनोबिस, बिकॉज जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, सो उनके साथ, एंड ही वॉज द पर्सन हु वॉज पीसी महलनोबिस वॉज the leader of the planning committee, we could say. So he had planned or he has drafted the plan. तो इसको हम नेहरू महलनोबिस मॉडल भी कहते हैं। इसमें मेजर जो फोकस था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे और पब्लिक सेक्टर पे था। टारगेट ग्रोथ जो इसकी थी 4.5 थी, जो कि अचीव थोड़ी सी कम हुई, स्लाइटली कम हुई, विच इज 4.27, बट स्टिल दे वर सैटिस्फाइड दैट स्टिल दे आर एबल टू अचीव द ग्रोथ विच वॉज इन द प्लानिंग। Forward to the third five-year plan.
So third five-year plan was from 1961 to 66. Now, again, अब इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को ही, चलिए हमने डैम बना लिए, इरिगेशन सिस्टम हमने थोड़ा बेहतर कर दिया, बट स्टिल देर आर सम प्रॉब्लम्स विच आर प्रेवलेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, देन वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन दीज टर्म्स और दीज सेक्टर्स. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्होंने किस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया, वो था प्रोडक्शन ऑफ वीट. इसके पीछे कारण है दोस्तों, क्यों वीट ही दिया गया, क्योंकि ये भारत 1961 का भारत, यदि मैं कहूँ, ये वो भारत है जब फूड क्राइसिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की जो वीडियो पढ़ी है उसमें हमने देखा था कि फूड क्राइसिस वॉज वन ऑफ द मेजर, वी कुड से द ड्रॉबैक ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट दैट पॉइंट. तो वीट के प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया कि किस किस तरह से इसको हम बेहतर कर सकते हैं. टारगेट ग्रोथ रेट इसमें 5.6% था, लेकिन अचीव बहुत ही कम, विच वॉज ओनली 2.4% वॉज अचीव. और इसके बाद 66 के बाद कोई फाइव ईयर प्लान नहीं आया, बल्कि प्लान हॉलीडे हुआ. And it was because of miserable failure we got in third five-year plan. And जो आपका plan holiday था, वो आपका 3 वर्षों तक चला, जो कि 66 से 67, जिसको हम annual plan भी कहते हैं, और इसको हम rolling plan भी कई बार नाम दे देते हैं. तो annual plan, जो कि आपके एक एक साल के रहे, 67 से 68 and then 68 से 69 तक कार्यरत रहे. इसके बाद यदि आप इस समय को देख पा रहे हैं, ये 1966 का दौर है. आपको पता होगा कि इस समय कुछ, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, कि इस समय कुछ इनोवेशन हुई थी. इनोवेशन वी कैन नॉट से, वी कैन से इन्वेंशन हुई थी, और वी कैन से इट सम रिवॉल्यूशन वाज हैपेंड. वो क्या रिवॉल्यूशन था, क्या क्रांति हुई थी, उस क्रांति का नाम है हरित क्रांति. तो अब जो 66 के बाद हरित क्रांति जो आई, जो इन प्लान हॉलीडेज में जो मेजर फोकस था आपको फूड क्राइसिस को किसी तरह से मैनेज करने का, तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ी सी बेहतर हुई. अब 69 के बाद जब नेक्स्ट फाइव ईयर प्लान आया, वो 69 से 74 के बीच में रहा, विच वाज द फोर्थ फाइव ईयर प्लान. अब उसके मेजर पॉइंट्स क्या रहे, वो पॉइंट्स थे सरकार द्वारा 14 मेजर इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज करना, क्योंकि अर्थव्यवस्था इतने डगमगा गई थी, इतनी चरमरा गई थी कि बहुत मुश्किल हो रहा था इंडियन इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना. सो फॉर दैट व्हाट इंडियन गवर्नमेंट हैज डन, इट वाज ऑफ कोर्स नॉट द, वी कुड से नॉट द इंडस्ट्रियल सेक्टर व्हिच वाज कंट्रीब्यूटिंग टू दैट पर्टिकुलर इंबैलेंस, बट ऑफ कोर्स द मेजर, यू कैन से द कॉज बिहाइंड दिस अनबैलेंस वॉज द पॉलिटिकल रीजन. तो जो आपके राजनीतिक जो इसमें छेड़खानी जो हो रही थी हमारी भारतीय व्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था में हो रही थी, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा हमें नुकसान झेलने पड़ रहे थे. तो रातों रात आप इस चीज को समझिए कि 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे और 1969 में. लेकिन जो चीज बेहतर हुई वो आपकी हुई ग्रीन रेवोल्यूशन. और ये इंडियन बैंक किस मुद्दे से नेशनलाइज करेंगे, ताकि जो कंट्रोल है वो एक सेंट्रल में आ सके, और जो प्लानिंग्स है वो प्रॉपर अच्छे से हो सके. टारगेट ग्रोथ रेट इसका 56% था, लेकिन अचीव इस बार भी 3.3, विच इज अगेन अ मेजरेबल फेलियर. सो वी व्हाट वी हैव सीन कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान सक्सेसफुल रहा, अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, फर्स्ट जो था वो सक्सेसफुल था, सेकंड भी हम जो थोड़ा सा स्लाइडली था उसको हम कंसिडर कर सकते हैं सक्सेसफुल, थर्ड एकदम लॉस, उसके बाद आपके पास हुए हॉलीडे, और फोर्थ भी जो है आपका वो भी आपका लॉस हो गया. मूविंग टू द नेक्स्ट फाइव ईयर प्लान, which was from 1974 to 78. क्या इसके मुद्दे रहे और क्या ग्रोथ रेट, देख लेते हैं. सो इट लेड स्ट्रेस ऑन इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिमिनेशन. अब आप समझ रहे हैं कि किस तरह से, जिस तरह से भारत की तस्वीर बदलती जा रही थी, जिस तरह से वहां का सोशल और जो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहे थे, उस तरह उसे उस के अकॉर्डिंग हमारी प्लानिंग चेंज हो रही थी. जहां फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम थी, तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पे बात की, प्रोडक्शन ऑफ वीट पे बात की, ग्रीन रिवॉल्यूशन पे बात की. अब जब क्योंकि चुनाव आने वाले थे या सरकार डगमगा रही थी, तो अब बात उन मुद्दों पर भी होने लगी जो बहुत प्रेवलेंटली नजर आ रहे थे, जिसमें एक आपका पॉवर्टी था और दूसरा आपका एम्प्लॉयमेंट था. तो गरीबी हटाओ का नारा हमारी जो वहां की मेजर गवर्नमेंट थी, नाउ यू वुड टेल मी हु वाज इन द लीड पार्ट, किन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, ये आप मुझे बताएंगे.
इसके साथ साथ जो इसका टारगेट ग्रोथ रेट था वो 4.4 था, लेकिन अचीव इस बार 4.8 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान है वो एक सक्सेसफुल रहा। इसके साथ साथ 1978 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक नई गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई जो थी आपकी मुरारजी देसाई, और इन्होंने आपकी जो ये प्लान था इसको रिजेक्ट कर दिया 78 में। अब क्योंकि रिजेक्ट हो गया है तो आप बताइए क्या स्थिति होंगी। इसके बाद आपका आया रोलिंग प्लान, तो सॉरी वो रोलिंग प्लान आपका 78 से 80 है, और जो पहले था 3 साल जो 66 से, आप यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जो आपका 66 से 69 तक रहा वो आपका है प्लान हॉलिडे। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज विद द टर्म्स, इट माइट कम इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आल्सो एंड इन द रिटन क्वेश्चंस एज वेल और द रिटन पेपर्स एज वेल, कि 78 से जो 80 तक है वो आपका रोलिंग प्लान है, क्योंकि सरकार बदल गई थी तो उन्होंने आपके जो जो भी हम करते हैं ना, जो नई सरकार आती है वो पुरानी सरकार की जितनी भी स्कीम्स होती है उनको मानती नहीं, तो सेम थिंग हैपेंड विद देम। तो उन्होंने क्या किया कि जो प्लानिंग कमीशन, जो 5 ईयर प्लान चल रहे थे उसको अबॉलिश करके 78 और 90 में रोलिंग प्लान की स्थापना की। और किस गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल आया, आप देखिए किस तरह से आपकी आपको हम मतलब हम समझते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कि किस तरह से इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, किस तरह से सारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर काम कर रहे हैं वो अफेक्ट करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो चीज भारत को अफेक्ट कर रही थी वो थी यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था। आपके पॉलिटिकल सिनेरियो कितने ज्यादा हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अफेक्ट कर रहे हैं, वी कैन सी इट थ्रू आउट दी यू नो द 5 ईयर प्लान्स। सो इन 78 व्हाट हैपेंड, ऑफकोर्स 77 में ऐसा हुआ था कि जनता पार्टी आ गई थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट आई और उन्होंने जो 5 ईयर प्लान था इसको खत्म करके या रिजेक्ट करके एक नया 6 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस करा 1980 में, लेकिन उससे पहले 78 से 80 तक इन्होंने रोलिंग प्लान को यू कैन से इनिशिएट किया। बट 1980 में फिर से इंदिरा गांधी आई और फिर से उन्होंने 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अब 78 से 80 का जो समय होगा वो क्या होगा, रोलिंग प्लान, और 80 के बाद जो आएगा, जो 1980 से 85 का आएगा उसमें आपका फिर से शुरू हो जाएगा 6th 5 ईयर प्लान। प्लीज रिमेम्बर 5th 5 ईयर प्लान आपका जो है वो पॉजिटिव था और आपने बहुत अच्छी उसमें ग्रोथ ली, उसके बाद इसमें रोलिंग प्लान आया और अब 6th 5 ईयर प्लान आपका 1980 से 1985 के बीच रहा। क्या बेसिक पॉइंट, क्या ग्रोथ रेट, चलिए समझते हैं। जो इसकी बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड इरेडिकेट दी प्रॉब्लम। मतलब अभी इस समय आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत, अगर आप विजुअलाइज करें तो 1980 की भारत ऐसी है जहां पे गरीबी बहुत बहुत बड़े लेवल पर हो रखी है, तो मुद्दा हमारे प्लानिंग का किस तरह से रहेगा, ठीक उसी तरह से। तो अब हमारा जो फोकस था 6 5 ईयर प्लान का वो इकोनॉमिक को थोड़ी सी लिबरलाइजेशन देना, मतलब कि जो लाइसेंसिंग है उसको थोड़ा सा रिलीज करना, थोड़ा सा लीनियंट पॉलिसीज बनाना और उसके साथ साथ पॉवर्टी को इरेडिकेट करना। टारगेट इसमें 5.2 रहा लेकिन हमने अचीव कितना कर लिया, 5.7। तो हम कह सकते हैं पांचवा और छठा दोनों ही 5 ईयर प्लान जो है वो एक सक्सेसफुल रूप में हमारे सामने आए। मूविंग फॉरवर्ड टू द 7th 5 ईयर प्लान, अब 85 से 90 का 7वां 5 ईयर प्लान रहा, उसमें क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे चलिए देखते हैं। जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो था भारत को एक सेल्फ सफिशियंट इकोनॉमी बनाने, मतलब फिर से आयातों को कम करना, हमारी जो डिपेंडेंसी है जो डेवलप्ड नेशंस पे उनको कम करना, इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज डेवलप करना, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट्स के लिए। तो अब एक और चीज हमें क्या समझ में आ रही है कि 1985 के भारत में गरीबी पे शायद कुछ कुछ हद तक काम हुआ था लेकिन एम्प्लॉयमेंट अभी भी एक बड़ी, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी परेशानी थी, तो उसके लिए भी कुछ कुछ योजनाएं लाई गई और टेक्नोलॉजी का भी इनिशिएशन हुआ। तो हम कह सकते हैं 7th 5 ईयर प्लान has introduced 3 major things. One was self-reliant economy. Second was opportunity for the productive employment. And third was the upgradation of technology. अगर हम बात करें ग्रोथ रेट की तो 5.0% was the growth rate which was targeted और 6.01 was the growth rate which was achieved due to 7th 5 ईयर plan. तो हमने क्या देखा, अब यहाँ पे अगर हम इसको फिर से एक फटाफट एक क्रक्स लें तो 5, 6 और 7 ये तीनों ही हमारे सक्सेसफुल रहे, 3rd और 4th एक बिग फेलियर था, 1st और 2nd ये भी आपके
बहुत हद तक सक्सेसफुल थे मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्लान. सो लेट्स हैव लुक टू द एनुअल प्लान्स नाउ. अगेन फिर से कुछ हमारी आप इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हैं कि किस तरह से हमारे भारत में चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से राजनीतिक चेंजेस से, हमारी सरकारों के बदलाव से कैसे हमारी अर्थव्यवस्था में भी, उनकी प्लानिंग्स में भी कितने ज्यादा बदलाव आए. तो अब 1990 से 1992 तक केवल एनुअल प्लान्स आए और जो हमारा आठवां फाइव ईयर प्लान है वो 1990 में ना इंट्रोड्यूस होकर कब हुआ, उसके बाद हुआ. अब क्यों आए, उसके पीछे कारण समझते हैं. अब मैं फिर से आपको, जैसे मैंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आपको समझाई थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपको समझाए थे, तो मैंने आपको उसके पीछे कारण बताया था कि क्यों एलपीजी आया या क्यों न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1991 में. क्योंकि भारत बहुत ही ज्यादा डिग्रेड सिचुएशन में या स्टेट में पहुंच गया था. भारत की अर्थव्यवस्था इतनी इतनी खराब हो गई थी कि दे वर नॉट इवन एबल टू सर्वाइव द पीपल वॉर इन द क्राइसिस in terms of food, in terms of income, in terms of resource availability, everything was just, we could say, degraded. तो उसको बेहतर करने के लिए बजाय फाइव ईयर प्लान का सोचने के, उन्होंने एनुअल प्लान लाने शुरू किए, जो कि आपका एक तो 1990 से 91 का रहा, एक फाइव ईयर वन ईयर प्लान और एक एनुअल प्लान जिसको हम बोलते हैं, और एक 1991 से 1992 का. इसमें जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो लिया गया वो था एलपीजी का, हम सबको पता है. और पीवी नरसिम्हा राव जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि आपको पता है असैसिनेशन हो गया था 1986 हमारे इंदिरा गांधी जी का हुआ, और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव को वहां का, ऑफकोर्स उसके बाद तो राजीव गांधी, एंड देन आफ्टर दैट आफ्टर असैसिनेशन ऑफ हिम वी कम टू द पीवी नरसिम्हा राव. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फाइव ईयर प्लान विच इज द 8th फाइव ईयर प्लान. तो जैसा हमने देखा पीछे कि 1990 से 92 तक, क्योंकि अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई थी कि हम फाइव ईयर का वेट नहीं कर सकते, तो हमने एनुअल प्लान बनाना शुरू करे. उसमें हमने एलपीजी एक न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म की पॉलिसी को लेकर आए एनुअल प्लान में, जो पीवी नरसिम्हा राव की लीडरशिप में बनी. उसके बाद आपका 8th फाइव ईयर प्लान आया विच वॉज फ्रॉम 1992 to 1997. वट वॉज द ऑब्जेक्टिव, वट वॉज द ग्रोथ रेट, सो लेट्स सी. The major top priority was given in this 8th five-year plan was the human resource. अब आप देखिए, अब फिर से वही चीजें चलती आ रही. Employment अभी भी नहीं सुधार हो रहा, तो उस पर काम किया गया. और finally हमारे पास Education Planning Commission में आ गया, जिसके लिए we could say we were in the crisis कि भैया education की plannings में कहीं जगह नहीं थी या कहीं placement नहीं हो रही थी. तो finally we got the education as a subject in the Planning Commission इन 8th फाइव ईयर प्लान. और जो इसका मेजर वो था, वो क्या था, वो था आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. इसकी ग्रोथ रेट को देखें तो वो 5.6 टारगेट थी और मिली कितनी, 6.8. तो हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूअसली वी आर इन द पोजीशन ऑफ अचीविंग आवर गोल्स, बट इंप्लीमेंट कितने हो रहे हैं प्रैक्टिकली, दैट वॉज अगेन अ क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं 9th फाइव ईयर प्लान, जो कि 1997 से 2002 तक रहा. कैसे काम किया, चले देखते हैं. अब यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन बहुत बार आता है, सो बी केयरफुल व्हाइल यू आर रीडिंग इट, बी केयरफुल व्हाइल यू आर राइटिंग इट और यू आर मेकिंग द नोट्स ऑफ इट. 9th फाइव ईयर प्लान में आपका ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी वाज द मेजर फोकस और मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान. इसके साथ साथ टारगेट हमने 7.1 किया, लेकिन हम उतनी ग्रोथ रेट असल में अचीव नहीं कर पाए, 6.8% तक ही लगा. तो क्वेश्चन आएगा, विच प्लान हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. तो आपके पास आंसर होना चाहिए, वो आपका 9th फाइव ईयर प्लान. बढ़ते हैं आगे 2002 के बाद, किस तरह से सिनेरियो चेंज हुए. लेट्स हैव आवर 10th फाइव ईयर प्लान व्हिच वाज फ्रॉम 2002 to 2007. मेजर जो इसका फोकस या ऑब्जेक्टिव था वो था आपका इंक्लूसिव ग्रोथ और इक्विटेबल डेवलपमेंट. मतलब भारत की एक विकल्प से कि हमें मिलके ग्रोथ करनी है, सबको सबका उसमें सहयोग होना जरूरी है, सबका एक भारतीय विकल्प से एक देश की तरह काम करने की बजाय, मतलब करने की जरूरत है, बजाय किसी इंडिविजुअली सेक्टर पर हम फोकस करें. तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ करेंगे, इसके साथ साथ इक्विटेबल
डेवलपमेंट होगी। यू कैन से हम इक्वल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, हम इक्विटेबल की बात कर रहे हैं। अभी ऐसा क्यों है ये आपने शुरू में वीडियो में समझा है कि हम इक्विटी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात एटलीस्ट ग्रोथ में तो हम नहीं कर सकते। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट वाज द जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर दैट ईयर? हमने जो एक्सपेक्ट की थी वो 8% की ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की थी और टारगेट हमारा 8.8 था, लेकिन उतना हम अचीव नहीं कर पाए। तो हम देख पा रहे हैं लास्ट दो जो प्लान है, विच इज 9th और 10th, उसमें हमारी जो अचीवमेंट है वो हमारे टारगेट ग्रोथ रेट से थोड़ी सी कम। मूविंग फॉरवर्ड टू द 11th, नाउ सो लेट्स हैव लुक टू द 11th, और वी कैन से द लास्ट सेकंड फाइव ईयर प्लान व्हिच वाज फ्रॉम 2007 to 2012। व्हाट वाज दैट? द 11th फाइव ईयर प्लान वाज सिग्निफिकेंट in its aim, which was increase the enrollment. Finally, आप देखिए education का role थोड़ा सा high हो गया और अब भारत को समझ में आने लग गया कि किस तरह से human development की बहुत ज्यादा जरूरत है, human capital के ऊपर invest करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और human capital पर investment का मतलब है higher education पर investment देना, education sector में investment देना। For that, we got in 2009 the Right to Education Act, which was implemented or which comes into the effect in 2010, and now it's become the right of every single individual of the Indian, of the India, or it is the right of every Indian citizen to get the education. Further, they also provide the free education or the compulsory education for the aged the children aged between 6 to 14 years. Target growth इसमें भी 9 रही, लेकिन achievement हमारी 8 ही हो पाई। तो हम कह रहे हैं कि ना, अगर हम देखें तो 9th, 10th, 11th, ये तीनों ही हमारे plans ऐसे थे जिसमें हमारे बहुत ज़्यादा, तो we cannot say कि हम बहुत ज़्यादा अपने target growth से कम रहे, लेकिन of course comparatively we are in the less numbers. Now let's move forward to the last five-year plan, which was 12th five-year plan. Although we could say इतना complete भी नहीं हो पाया था क्योंकि 2015 में ही हमारा नीति आयोग initiate हो गया, पर ये हमारा आखिरी five-year plan है। और इसका क्या goal है, ये अक्सर मैंने बहुत से questions में देखा है, बहुत से exams में objective type जो questions होते हैं उसमें आता है कि faster, more inclusive and sustainable growth कौन से five-year plan का हिस्सा था। तो ये आपके 12वें फाइव ईयर प्लान का हिस्सा था जो कि 2012 से 2017 के बीच रहा। क्या टारगेट इसका ग्रोथ थी? वो थी आपकी 9%, लेकिन आप देखिए उसी समय पर जो आपकी एनडीसी है उसने उस चीज का अनुमान लगा लिया कि जो हमारी ग्रोथ रेट है वो लगभग 8% के अराउंड हम उसको क्या कहते हैं अचीव करेंगे, और कितना सक्सेसफुल हुआ कितना फेल हुआ उतना हम देख ही नहीं पाया, उतना हम एसेस नहीं कर पाया। उसके पीछे रीजन है हमारे नीति आयोग का, कि नीति आयोग हमारा 2015 में इनिशिएट हो गया एंड इट वाज अंडर द सुपरविजन ऑफ आर करंट प्राइम मिनिस्टर विच इज मिस्टर नरेंद्र मोदी। चलिए समझते हैं क्या सक्सेस और फेलियर रही हमारे प्लानिंग कमीशन की, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पॉइंट्स इनके समझेंगे। पहला पॉजिटिव पॉइंट इसमें हम देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा काम किया गया, साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम किया, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की गई एजुकेशन सेक्टर में, जो कि मैं थोड़ी सी डिसएग्री करती हूँ कि बहुत ज्यादा नहीं हुई, बट ऑफकोर्स इट वॉज बिकॉज 5 IITs वॉज देयर, सम कॉलेजेस वर इन्वेंटेड, एंड ऑफकोर्स वी हैव सीन द हायर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू द earlier time period. उसके बाद आपकी industries भी develop हुई, railways और irrigation system was again in the better situation. That we can even evident in today's scenario कि as compared to the time when it was started in 1950, अभी चीजें बहुत बेहतर है, modernize हो गई है, technology आ गई है, that we have already seen in the last video as well. इसके साथ साथ भारत self-sufficient बना, उसने न सिर्फ capital sector goods में बल्कि consumer sector goods में भी अपने आप को बहुत बेहतरी से प्रदर्शित किया। नेगेटिव पॉइंट्स यही रहे कि
जो आपके लैंड रिफॉर्म्स थे उनको बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने में ये लोग फेल रहे। आपका प्लानिंग कमीशन बहुत अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। और जो एक व्यक्तिगत जो मुझे भी लगता है जो इनके अंदर सबसे जो फॉल बैक रहा वो था वीक इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, कि आप अपने प्लान्स बनाना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती, बट आप उस प्लान को कैसे उस चीज को आप कैसे इवेल्युएट करते हैं एंड हाउ यू आर मॉनिटरिंग इट। सिर्फ ये प्लान बना देना कि सुबह मैं 4 बजे उठूंगी और फिर वॉक पे जाऊंगी एंड देन आई विल गो टू द कॉलेज एंड देन आई वुड टीच, सिर्फ इतना जरूरी नहीं है, बट कि आपको उस चीज को रेगुलरली ऑब्जर्व भी करने की जरूरत है कि किस तरह से काम हो रहा है, वेदर आई एम एक्चुअली गेटिंग अप एट 4 एंड वेदर आई एम गोइंग टू दी वर्क और नॉट। तो आपको सिर्फ प्लान नहीं बनाना है बल्कि उसको प्रॉपर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है, विच वॉज समवेयर लैक्ड बाई दी प्लानिंग कमीशन। सो दैट वॉज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। एंड इन द लास्ट वी कुड से हियर इज दी कंक्लूजन विच स्टेट्स दैट द प्लानिंग कमीशन वी नो वॉज हेल्प्ड अस इन गिविंग दी न्यू इंडिया, और इट वुड बी वी कैन सी दैट जो भारत अर्थव्यवस्था के समय पर थी, मतलब जो इंडिपेंडेंस के समय पर थी सॉरी, वो किस तरह से चेंज हुई, किस तरह से इम्प्रूव हुई, वो हमने प्लानिंग कमीशन की हेल्प से देखा। कैसे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट भारत में हुई दैट ऑल्सो वी हैव सीन, बट हमें पता है कि जो पॉलिटिकल सिनेरियोज थे उनका प्लानिंग कमीशन पर बहुत बड़ा इफेक्ट था। यदि वो चीजें थोड़ी स्थिर होती तो शायद भारत की अर्थव्यवस्था आज थोड़ी और बेहतर स्थान पर हो सकती थी। इसके साथ साथ हमें पता है 2014 में नीति आयोग आया और उसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। अगेन जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो चीजें इसी तरह से होती हैं। तो 2014 में हमें पता है कि नई पॉलिटिकल पार्टी ने एंटर किया भारत में और फिर चीजें चेंज हुई। अब थिंक टैंक हमारा प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर आ गया है एंड दे आर कॉन्टिन्यूसली डूइंग इन सम पॉजिटिव मैनर्स। सो आई बिलीव यू गॉट अ पिक्चर ऑफ द प्लानिंग कमीशन, कैसे 5 ईयर प्लान्स आए, उनके क्या ऑब्जेक्टिव, क्या ग्रोथ रेट, किस तरह से काम किया गया, किस तरह से भारत का आजादी के बाद 1950 से और 2015 का भारत किस तरह से चेंज हुआ, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। सो इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट्स एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।